पिछले वीडियोज में हमने एल सेक्शन फिल्टर के बारे में पढ़ा था, और एल सेक्शन फिल्टर जो मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करना चाहूँ, तो देखिए ये एल कॉम्बिनेशन, ये इंडक्टर, और इसके साथ ये इस प्रकार से एक संधारित्र जोड़ा गया था, ये एल सेक्शन फिल्टर था, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं क्या बताना चाहूं, तो आपके यहाँ पर हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस था, ठीक है। और ये दोनों, यानी कि ये इंडक्टर था L और ये था कैपेसिटर C। तो इंडक्टर L और कैपेसिटर C दोनों का ये कॉम्बिनेशन जो है L सेक्शन फिल्टर कहलाता है। अब L सेक्शन फिल्टर जो था, उससे निर्गत जो दिष्ट वोल्टता थी, उसको नियत रखने के लिए लोड धारा अधिक रखी जाती है, यानी कि ये मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, लोड धारा अधिक रखी जाती है, यानी कि ये क्रांतिक धारा है, लोड से अधिक लोड धारा रखी जाती है। और इस अवस्था में निर्गत वोल्टता जो है निविष्ट शिखर वोल्टता के सापेक्ष यथेष्ट रूप से कम होती, यानी कि यहाँ पर दो कमी हो गई। पहली कमी यानी कि एल सेक्शन फिल्टर था, देखिए ध्यान देने वाली बात है, अगर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि एल सेक्शन फिल्टर की कमियां लिखते हुए पाई सेक्शन फिल्टर को का वर्णन कीजिए, तो आप यहां पर लिखोगे कि एल सेक्शन फिल्टर जो है उसमें लोड धारा का मान क्रांतिक धारा आई के से अधिक रखी जाती है, और इस अवस्था में निर्गत वोल्टता निविष्ट शिखर वोल्टता के सापेक्ष यथेष्ट रूप से कम होती है, और अधिक दिष्ट वोल्टता प्राप्त करने के लिए फिल्टर परिपथ के निवेश पर समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, एक संधारित्र C1 और लगाते हैं। देखिए अन्य संधारित्र क्या है, यह नाम C1, मैं यहाँ पर इस C1 को सर्किल में डाल रहा हूं, यह संधारित्र C हो गया C1, और ये L और C2 जो L, ये देखिए L ये है और ये C2 संधारित्र हो गया, L और C2 संधारित्र, ये L सेक्शन फिल्टर की भांति है। तो L सेक्शन फिल्टर के साथ यहां पर हमने क्या कर दिया, एक कैपेसिटर और लगा दिया है, ठीक है। ये कैपेसिटर भी कौन से क्रम में लगता है, समांतर क्रम में लगता है, और इसको किस चीज से डिनोट किया गया, C1 से डिनोट किया गया है। अब देखिए यह परिपथ तो है इस प्रकार से, ये सी नीचे खड़ी लाइन में सी और ये पाई, यानी कि पाई की आकृति का बनता है, इसलिए इसे पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, C1 और C2 दोनों संधारित्र हैं, वो दोनों ही संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, और L यानी कि इंडक्टर है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि L सेक्शन फिल्टर जो था उसके साथ समांतर क्रम में एक संधारित्र और जोड़ दिया जाए तो पाई सेक्शन फिल्टर बनता है। यहां पर ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी के साथ में पाई सेक्शन फिल्टर का चित्र बनाया हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब देखिए इस फिल्टर को दो भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, एक तो संट कैपेसिटर C1 संधारित्र, जो C1 धारिता के संधारित्र लगाया है हमने पैरेलल में, उसको हम क्या कह सकते हैं, संट कैपेसिटर फिल्टर कह सकते हैं। दूसरा एल सेक्शन फिल्टर हो गया, एल सेक्शन फिल्टर जो है उसमें एक प्रेरक कुंडली एल है और एक संधारित्र C2 है, उन दोनों से मिलकर बना हुआ है। जब अब इसकी कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं, कि जब दृष्टकारी के डायोड में से किसी एक में धारा का चालन होता है तो बिंदु P पर वोल्टता का मान स्पंद मान शिखर वोल्टता के शिखर मान EM तक बढ़ता है, जिससे संधारित्र C1 का आवेशन मैक्सिमम वोल्टेज जो थी क्या थी, EM वोल्टता, यानी कि P बिंदु है उस पर वोल्टता का मान स्पंद मान वोल्टता के शिखर मान तक बढ़ता है, जिससे C1 जो संधारित्र है वो चार्ज होता है EM तक, और जब दृष्टकारी की निर्गत वोल्टता का मान EM से कम होता है तो संधारित्र का अनावेशन प्रेरक कुंडली L और लोड प्रतिरोध RL में से प्रारंभ होता है। यानी कि चार्ज किसके माध्यम से होता है, जब कोई सा भी एक डायोड चालन अवस्था में है तब वो कैपेसिटर है C1 वो चार्ज होता है,
और जब दृष्टिधारी की नित्य वर्षा का मान ईएम से कम होना होना शुरू होता है, तब जीवन संधारित्र जो है वो प्रेरक कुंडली एल और लोड रेजिस्टेंस आरएल में से के माध्यम से डिस्चार्ज होता है, और तब तक होता है जब तक कि दूसरे डायोड के चालन द्वारा संधारित्र का पुनः आवेशन प्रारंभ नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधे चक्कर में पहला डायोड संधारित्र को चार्ज करता है, दूसरे अर्ध चक्कर में दूसरा डायोड संधारित्र को चार्ज करता है। संधारित्र के द्वारा उत्पन्न अनावेशन धारा की गणना अत्यंत कठिन है, परंतु इसका मान में एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ये जब मैक्सिमम मान ईएम तक बढ़ रहा है तो यहाँ पर संधारित्र क्या होता है, चार्ज होता है। यहाँ तक चार्ज हो गया संधारित्र, इस पॉइंट तक चार्ज हो गया संधारित्र। अब जैसे ही मान ये कम होना शुरू होता है, इधर से देखिए कम होना शुरू होता है, तो संधारित्र जो है ये सीधा डिस्चार्ज हो जाता है आरएल और इंडक्टर एल के माध्यम से। अब यहाँ पर जैसे ही ये जो मैंने सर्किल बनाया है इस पॉइंट पर पहुंच गए, इसके बाद में दूसरे डायोड द्वारा संधारित्र का आवेशन होता है यहाँ तक, और उसके बाद में पुनः आरएल और लोड रेजिस्टेंस आरएल और जो इंडक्टर है उसके माध्यम से डिस्चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं 0 से पाई या 0 से T/2 समय तक संधारित्र जो है एक डायोड के द्वारा चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, और दूसरे अर्धचक्र में दूसरे डायोड द्वारा चार्ज होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट जो है संधारित्र और इंडक्टर के दोनों के संयोग से आउटपुट जो है वो इस प्रकार कांस्टेंट रहने की कोशिश करता है। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये आउटपुट जो है उसकी प्रत्यावर्ती घटक में 2 ओमेगा और 4 ओमेगा के घटक होते हैं। 2 ओमेगा का घटक है प्रथम शतांश कहते हैं इसको, तो इसमें केवल इस प्रथम शतांश घटक को ही काउंट किया जाता है, इस घटक को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके सापेक्ष जो इसके कारण से जो धारा होती है वो नगण्य होती है। इसलिए केवल ये 2 ओमेगा आवर्ती का द्वितीय शतांश वाले उर्मिका वाला घटक ही महत्वपूर्ण होता है, ER/π sin 2 ωt। अब अक्ष सी यानी कि संधारित्र C2 की प्रतिबाधा अक्ष सी इक्वल टू 1/ω C2 लोड प्रतिरोध आरएल की तुलना में कम रखी जाती है, इसलिए संपूर्ण उर्मिका धारा संधारित्र C2 में से प्रवाहित हो जाती है। अब उर्मिका धारा IAC इक्वल टू ER/2 ωL − 1/2 ωC और इस कैलकुलेशन के माध्यम से IRMS का मान हमारे को ये प्राप्त होता है जो समीकरण नंबर 18 से शो किया गया है। ठीक है, यह मान ये देखिए IRMS यानी कि उर्मिका धारा का वर्गमाध्य मूल मान होता है ये। अब इस उर्मिका धारा के कारण संधारित्र C2 के सिरों के मध्य उर्मिका वोल्टता क्या हो जाएगी, इसको अक्ष C2 से मल्टीप्लाई कर दे तो समीकरण 19 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखिए उर्मिका गुणांक जो है R=EAC/EDC होता है, और R का मान समीकरण नंबर 20 के अनुसार दिया गया है जो 1/√2 ωRL C1 × 4 ω² L × C2 − 1 प्राप्त होता है, जो समीकरण नंबर 20 से दर्शाया गया है। अब समीकरण जो 20 है उससे स्पष्ट है कि पाई सेक्शन फिल्टर का उर्मिका गुणांक जो आर है वह ओमेगा यानी कि आवर्ती संधारित्र C1 संधारित्र C1 की धारिता C1 धारिता C2 प्रेरकत्व L और लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर करता है। और इस प्रकार से यदि हम 4 ω² L C2 का मान 1 से बहुत अधिक हो तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं 0.177/ω³C1 C2 L × RL। तो समीकरण नंबर जो 21 है वह पाई सेक्शन फिल्टर के लिए उर्मिका गुणांक को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से सभी फिल्टरों के अध्ययन करते हुए अंत में हमने पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का अध्ययन किया है।